हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखो, ऑलरेडी मैंने अदानी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि हाई रिस्क लेना चाहते हैं और कम समय में एक अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो अदानी वाली वीडियो देख लो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आज 20-20% के सर्किट लगे हैं, उसके पीछे का रीजंस वगैरह सब कुछ बताया। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक के बारे में कि आखिर जो भी मेन अपडेट्स निकल के आई हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यस बैंक के शेयर प्राइस पे। और यहाँ से अगर आप देखो तो जो यस बैंक है वो कौन कौन से लेवल्स पर जा सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखिए, सो डैट आपको सारी जो कहानी है यस बैंक की वो अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, काम की लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन यस बैंक का क्या सिनेरियो रहा। तो आज यस बैंक में अगर आप देखोगे कोई भी मूवमेंट नहीं था, यानी कि बिल्कुल ही फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। 15 रुपये 65 पैसे पर आज की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एट पार जैसा सिनेरियो देखने को मिला है, एट पार की क्लोजिंग देखने को मिली है। और शेयर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी टाइम से मैं बता भी रहा हूँ, शायद लोगों ने वो जाके देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो वो इस वीडियो के बाद आप देख लेना, जिसमें मैंने कुछ दो पर्टिकुलर लेवल्स के बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये दो लेवल्स, एक डाउन साइड एक अपसाइड, ये चलते रहेंगे तो शेयर में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा और वहीं की वहीं घूमता रहेगा। और वही कुछ कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कॉन्टीन्यूअसली, यानी कि अब भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें वहीं की वहीं घूम रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न प्रोफाइलिंग के बारे में बात करें तो दिन ब दिन चीज़ें जो हैं यस बैंक के लिए थोड़ी सी ख़राब ही होती जा रही हैं। YTD ईयर टिल डेट 24% के नेगेटिव रिटर्न, एक हफ्ते में 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स, एक महीने में 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स, 3 महीने में 4% के नेगेटिव रिटर्न्स, ऐसे ही कहानी पूरी यहाँ पे शॉर्ट टर्म की चल रही है। लेकिन अगर आप वहीं देखते हो तो 1 साल और 2 साल में तो ठीक ठाक से रिटर्न्स हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यस बैंक से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसमें जो 50 लाख से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं वो इन्वेस्टेड हैं। उन सभी को लग रहा है कि यस बैंक यहाँ से एक धमाकेदार मूवमेंट दिखाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। आज भी अगर आप देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम जो बिल्कुल नहीं आया, मतलब यस बैंक के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ का वॉल्यूम है फ्राइडे को, अगर आप देखते हो 7 करोड़ का था, एक हफ्ते का एवरेज 8 करोड़ है, एक महीने का एवरेज 10 करोड़ है। यानी कि कॉन्टीन्यूअसली जो वॉल्यूम भी है वो भी कम होता जा रहा है। अब जब तक यस बैंक में कोई भी एक बड़ा मूवमेंट, बड़े मूवमेंट से मेरा मानना है यहाँ पे 2-3% भी अगर आ जाएगा ना, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना फिर से स्टार्ट कर देंगे, ट्रेडिंग करना फिर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये मूवमेंट यही रहेगा कि आधा परसेंट अपसाइड आधा परसेंट डाउन साइड, या फिर 0.2% अपसाइड 0.2% डाउन साइड, तो डेफिनेटली इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं आएगा। और वॉल्यूम नहीं आएगा तो फिर आपको मूवमेंट भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये है अभी तक की कहानी यस बैंक की। अब एक एक करके मैं आपको अपडेट पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहली अपडेट यहाँ से रिलेटेड है, इनके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं उससे रिलेटेड है। आप यहाँ पे देखो तो सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स पर्सुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस वाला सिनेरियो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने करीबन 273,000 जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो अलॉट करे गए हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये की। और ये आपको 17 मई के हिसाब से यहाँ पे दिए गए, जिसमें अगर आप देखोगे तो टोटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अब इसमें क्या होगा कि ये टोटल अलॉटमेंट की गई है, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में यस बैंक जो है वो काफ़ी हद तक सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे चीज़ें जो है इंटरनली तो ठीक ठाक सी नज़र आती हैं। इवन स्टॉक पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो अभी तक तो ठीक ही है। एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें अगर आप देखते हो तो यस बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जा सकता है। आप यहाँ पे देखो, ट्यूलिप होटल्स इंसॉल्वेंसी फॉर फेलिंग टू पे 900 करोड़ टू यस बैंक। यानी कि अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि कोर्ट में फैसला चल रहा था। अब कोर्ट में जो चीज़ें चल रही थी उसका डिसीज़न आया, उसका डिसीज़न क्या आया कि जो ट्यूलिप होटल्स है उसको अब इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जो है पूरी करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यस बैंक
बैंक ने करीबन 900 करोड़ का जो लोन है वो दिया था, और कंपनी ने यहाँ पे लास्ट में आके बोल दिया कि वी डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ, और अब हम आपका ये पेमेंट जो है पे नहीं कर सकते। तो अब इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो NCLT में ये सिनेरियोज जो हुए हैं, जिसके बाद जो पेटिशन फाइल करी गई थी JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, उसको मान लिया गया है, और अब ट्यूलिप होटल्स को यहाँ पर बोला है कि आपको अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट की रिकवरी होगी वो यस बैंक को वापस जाएगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर और भी जो भी इनका एसेट्स होंगे वहाँ से रिकवरी करने का ट्राई किया जाएगा। जितना रिकवरी कर लिया जाएगा वो तो अच्छी है, लेकिन जो अमाउंट यहाँ पर चला गया वो तो फिर NPA में ही काउंट होता है, और इसीलिए इनके प्रोविजंस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं हर बारी। क्योंकि अगर आप देखते हो तो अभी भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज भी अगर आप देखोगे तो ऐसी हैं जिन्होंने यस बैंक से लोन तो लिया है लेकिन वो चुकाने का नाम नहीं ले रहे। अब रिकवरी भी जो होती है इंसॉल्वेंसी के थ्रू भी वो वहाँ से काफ़ी हद तक हो जाती है, लेकिन पूरे अमाउंट की नहीं होती है। तो ये आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूसली। अब ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो, मैं आपको कुछ और अपडेट्स भी बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है कि जो इनका केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग वाला यस बैंक और DHFL का, उसमें कुछ सिनेरियोज ऐसे बने थे कि लोग बोल रहे थे कि इनके जो विक्टिम हैं जो भी यहाँ पे अक्यूज हैं उन सबको बेल दे देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने इस पर्टिकुलर याचिका को डिनाई कर दिया, यानी कि बेल नहीं मिलेगी ऐसा बोला गया, और बहुत ही मजबूत फैक्ट बोले गए इन सारी चीज़ों में। जैसे कि इन्होंने बोला है कि ये जितने भी लोग हैं ये हैं सबके सब पिलर ऑफ स्कैम, इनकी वजह से अगर आप देखते हो तो ये जो अमाउंट इन्होंने फ्रॉड किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो पैसा इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे लिया है, उसमें क्या सिनेरियोस बने हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वो पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक का है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी बैंक का फ्रॉड किया है तो वो बैंक का पैसा है, बैंक का पैसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक ने इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट किया था, बहुत सारी चीज़ों में डिपॉजिट किया था, अब वो सारा जब बैंक का फ्रॉड हुआ तो डेफिनेटली ये जो पैसा डूबा है वो पब्लिक का पैसा डूबा है। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखते हुए बोला गया है कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिलर ऑफ स्कैम्स बनती है, और इन लोगों को बिल्कुल भी बेल जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही अच्छा डिसीज़न है, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो भी कॉन्फिडेंस है बिल्डअप होगा इन्वेस्टर्स का कि फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये जो डिसीज़न है वो अच्छा है, और आगे के लिए क्या यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा या फिर नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली हैं वीडियो के अंदर, जितना भी अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी वो सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। बाकी अगर कुछ भी मिस आउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।